हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, पार्ट 6 ओमना का सफ़र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप सबको अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद है। आप ही की तरह ओमना भी केरल में अपनी नानी के घर जाने के लिए उत्साहित थी। जहाँ वह ट्रेन से जा रही थी, आओ पता करते हैं कि उसने रेलवे स्टेशन पर क्या क्या देखा। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र रेलवे स्टेशन का है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ऊपर दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है, अपने शब्दों में बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ। यह रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र है। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी हुई है जिसमें लोग बैठे हुए हैं। कुछ यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे दुकानदार चीज़ें बेच रहे हैं इत्यादि। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको कुछ अन्य चीज़ नज़र आ रही हो तो वह भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा, क्या आपने या परिवार के अन्य सदस्य ने कभी ट्रेन से सफ़र किया है? कब किया है, लिखकर बताएं। तो यहाँ पर आप अपने बारे में लिखेंगे, अगर आपने सफ़र किया है तो कब किया है, यह लिखकर बताएंगे अपने शब्दों में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हाँ, मैंने अपने परिवार के साथ ट्रेन का सफ़र किया है। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में हम सब ट्रेन से दादा दादी के पास गांव गए थे। तीसरा, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चीज़ें बिकती हुई दिखाई देती हैं, नाम लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला, रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, आलू पूरी, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, चिप्स, बिस्कुट, चाय, कॉफ़ी, नमकीन और पानी की बोतलें आदि मिलती हैं। दूसरा, रेलवे स्टेशन पर अखबार, कहानियों की किताबें, मैगजीन व उपन्यास आदि भी मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, चित्रों को पहचान कर लिखो कि रेलवे के लोग क्या काम करते हैं। आप देख रहे हैं, इस चित्र में रेलवे कर्मचारियों को दिखाया गया है जो अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। चलिए अब हम इनके कामों के बारे में लिखते हैं। पहला, टिकट चेकर, यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। दूसरा, कुली, यात्रियों का सामान उठाते हैं। तीसरा, गार्ड, ट्रेन को चलने और रुकने का संकेत देते हैं। चौथा, ड्राइवर, ट्रेन चलाते हैं। पांचवा, टिकट विक्रेता, टिकट बेचते हैं। छठा, सफाई कर्मचारी, ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म पर सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, मान लो कि ओमना की तरह तुम भी अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रहे हो। अपनी कल्पना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, तुम अपने साथ खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही देंगे कि आप यात्रा पर जाएंगे तो खाने पीने का क्या क्या सामान लेकर जाना चाहेंगे और क्यों। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अपने साथ पूरी, सब्जी, चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, फ्रूटी, चॉकलेट ले जाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, इस लंबी यात्रा में तुम समय बिताने के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे, इनमें से किन्हीं 4 के चित्र बनाओ। तो बच्चों, ट्रेन में हम लूडो, कहानियों की किताबें, शतरंज, वीडियो गेम इत्यादि ले जाना चाहेंगे। आप जो भी चीज़ें ले जाना चाहोगे उनमें से किन्हीं 4 के चित्र आपको यहाँ बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ चित्र यहाँ लगा दिए हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से चित्र बना सकेंगे। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा, कल्पना करो कि तुम नीचे दिखाई गई ट्रेन में बैठे हो। बाहर दिखाई दे रहे दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन करो। तो बच्चों, आप अपने शब्दों में इस दृश्य का वर्णन करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ इस तरह से वर्णन कर रहा हूँ, मुझे ट्रेन में बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में कभी कोई गांव आता है तो कभी कोई शहर। ट्रेन कभी किसी पुल के ऊपर से गुजरती है तो कभी किसी सुरंग के अंदर से। रास्ते में
एक नदी भी दिखाई दी। उस नदी को देखने में बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।